नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 6 सितंबर को दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। तो आईपीएल 2022 में 22 का दोस्तों कौन सा संस्करण है ये पूछा गया है, तो 15वां दोस्तों संस्करण है। तो दोस्तों क्या क्या आपका आ सकता है, कौन जीता या फिर किसने किसको हराया लास्ट में, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं, तो आगे देख लीजिएगा डिटेल। नेक्स्ट बात करेंगे जो है सिगरेट पीने से शरीर का कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित होता है। आप जानते हैं फेफड़े में प्रॉब्लम हो जाता है, फेफड़ा जो है प्रभावित होता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे टीबी दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है। टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है, कौन से गेम से है दोस्तों, तो हॉकी से है। पीआर श्रीजेश जी का संबंध जो है ये हॉकी से है। नेक्स्ट बात करेंगे पुरुष हॉकी जो है एशिया कप किसने जीता है दोस्तों, तो ये साउथ कोरिया ने जीता है। पुरुष हॉकी जो है एशिया कप किसने जीता है, साउथ कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में 11वें जो मौलिक कर्तव्य है का जो है किस संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। देखिए सबसे पहले जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 51 के ए में है, साथ ही साथ इसको जो है इसमें जो शुरू में आपका 10th माने 10 थे, जो आपका 11वां जो जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन है 2002 वाला। इसमें देखेंगे तो एक और चीज़ हुआ है 2002 वाले में, इसमें दोस्तों 21 का ए आ गया है, अनुच्छेद 21 का एक, माने कि यहाँ पर जो 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं इनकी अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय जो है भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, ये आपका मैसूर में है। कहाँ पर है, मैसूर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बलवंत राय मेहता दोस्तों समिति ने त्रिस्तरीय कहा था, साथ साथ जो है अशोक मेहता जो है वो द्विस्तरीय है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम जो है जीवन ज्योति बीमा जो है के लिए कितनी राशि होती है, मतलब कोई यहाँ पर गुजर जाता है तो इसको कितना मिलता है, तो पीएम जीवन ज्योति योजना में दोस्तों जो है 2 लाख रुपये मिलते हैं। कितने, 2 लाख रुपये दोस्तों जो है इसकी राशि है। नेक्स्ट बात करेंगे बोल्ट्जमान जो है पदक ये किसे दिया गया, बोल्ट्जमान जो है पदक दिया गया दीपक धार जी को, किसको, दीपक धार को मिला ये पदक। नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, तो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक में दोस्तों सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो कर्नाटक है तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या है, सोने की खान है, तो ऐसे जो है याद रखेंगे सोना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो कर्नाटक नाटक कैसे करते हैं आप देखे होंगे, काफ़ी गहना होना पहन के जो है डांस करते हैं शास्त्रीय, ऐसे जो है नाटक वाटक में भाग लेते हैं तो राजा रानी बनते हैं तो सोना पहनते हैं, तो ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में कौन सा सत्याग्रह किया, दोस्तों यहाँ पर जो है बारदौली सत्याग्रह है, बारदौली 1928 है, यह एक किसान आंदोलन था। साथ ही साथ दोस्तों जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दिया था, किस आंदोलन में दिया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ साथ जिन लोगों को नहीं पता है सर्च करके अच्छे से उनके बारे में देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी जो है हाइड्रेट है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो है हेमी हाइड्रेट नाम है प्लास्टर ऑफ पीओपी का, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट बात करेंगे केरल के राष्ट्रीय पार्क पूछा था, तो साइलेंट वैली आपका हो जाएगा या फिर जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा अनाईमुड़ी, तो जो भी आपका दे रखा है उसको करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जाइलम किसका परिवहन करता है, तो पौधों में जल का जो परिवहन आपका जो है जाइलम हो जाएगा, और फूड का यानी कि दोस्तों जो भी खनिज उनिज है फूड का जो है क्या हो जाएगा, फ्लोयम हो जाएगा, तो फ्लोयम पूछेगा तो फूड का करेंगे, जाइलम आपका जल का, ट्रिक से मैंने याद करवा रखा था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है पुष्प का कौन सा भाग प्रजनन में भाग लेता है,
तो जो भी आपका जानते हैं ये आपका स्त्री केसर, मतलब यहाँ पर आपका वर्तिकाग्र हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको वर्तिका हो जाएगा, आपका यहाँ पर अंडाशय हो जाएगा। ऐसे ही जो है आपका पुरुष वाला है तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तंतु फिलामेंट हो जाएगा, ये आपका कोष हो जाएगा, और इसमें जो है आपके जो भी आपके यहाँ पर पराग कोष हो जाएगा, परागकण हो जाएंगे। तो जो जैसा आपका दे रखा होगा वैसे आपका स्त्री केसर या पुरुष जो है पुंकेसर होता है, इन्हीं में से कुछ आपका दे रखा होगा, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसको करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक मेहता समिति ने किस जो है स्तर के पंचायत की दोस्तों यहाँ पर सिफारिश किया है, तो द्विस्तरीय, अभी हमने बात किया था कि अशोक मेहता जो है रहेंगे तो क्या हो जाएगा द्विस्तरीय, बलवंत राम मेहता रहेंगे तो त्रिस्तरीय, ठीक है, तो द्विस्तरीय यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एलएम जो है एलएम सिन्ही समिति ने किसकी दोस्तों सिफारिश किया था, तो जो एलएम सिन्ही जो समिति थी इन्होंने दोस्तों जो है पंचायतों में संविधानिक दर्जा, जो पंचायत है इनको संविधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था, क्या किया था, पंचायतों को जो है संविधानिक दर्जा जो है देने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट बात करेंगे अभिक्रिया दिया था जे एन ओ प्लस आपका सी से जो है अभिक्रिया हो रहा है, तो जे एन प्लस सी ओ आपका बन रहा है यहाँ पर, यह अभिक्रिया किस प्रकार का पूछा जा रहा था, तो रिडाम्स दोस्तों जो ये अभिक्रिया है क्या है, रिडाम्स अभिक्रिया है। देख लीजिए कुछ जो है आपके टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मैथ में आ रहा है, परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, डीआई से आ रहा है, एसआईसीआई से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, एवरेज से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करके जाएंगे मैथ में। रीजनिंग में बात करें सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें आपका ब्रीथ में जो सिटिंग होता है इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीनियर में यानी लाइन में बैठेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे या नीचे की तरफ बैठेंगे, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है इसमें सेट करने वाला, रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, दो आपका छः हो गया आगे क्या होगा, जो आपका यहाँ पर मान लीजिए नाइन हो गया कुछ और हो गया, तो यहाँ पर कोरिलेशन होगा या फिर जो कोई भी रिलेशन आपका बन करके यहाँ पर सीरीज करना होगा, डायरेक्शन जैसे कि आपका इधर देख रहा था फिर आपको ऊपर देखा फिर इधर गया फिर पूछेगा किधर की तरफ जा रहा है या फिर दूरी क्या रही है, ये सब पूछता है डायरेक्शन में, काफ़ी लंबा घुमा फिरा रहा है। एनालॉजी से क्वेश्चन है सादृश्यता, जैसे कि तीन का संबंध आपका छः से उसी प्रकार से नौ का संबंध किससे हो जाएगा, तो 18 से हो जाएगा, मतलब इसका दोगुना ये है तो इसका दोगुना ये हो जाएगा, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके और भी आते हैं, रिलेशन बनाने वाला भी आता है, कैलेंडर का आ जाएगा, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी से बड़ा है डी, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपका दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपका बन रहा है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बन रहा है, रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये सभी आपके टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के जो है 6 सितंबर को आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आओ, वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही जो है क्वेश्चन को पाने के लिए देखो सीखो स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।